क्या तारीफ करूं मैं उन शहजादों की जिनकी सवारी खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हो, जिनकी तरबियत रसूल अल्लाह की निगरानी में हुई हो। मैं बात कर रहा हूं जन्नत में जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम दिया है। एक वाकया है, जब ईद का चांद नजर आया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने हजरत फातिमा से फरमाया कि अम्मी कल ईद है और मदीने के सारे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, और क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ये सुनकर हजरत फातिमा बहुत परेशान हुई और इमाम हसन और इमाम हुसैन को दिलासा दिया कि अल्लाह उनके लिए कपड़ों का इंतजाम फरमाएगा। आपने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। कुछ ही लम्हे में किसी ने दरवाजे पर दस्तखत दी। पूछा कौन है? कहा कि मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। अगले दिन रसूल अल्लाह ने हजरत फातिमा से पूछा कि क्या तुम जानती हो ये कपड़े किसने दिए हैं? तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं ये कपड़े जन्नत से आए हैं, और वो शख्स जो ये कपड़े लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल थे। अब आप इसी बात से इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान का अंदाजा लगा सकते हैं।